नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस कई लोगों का गिरोह है जिसकी कोई विचारधारा नहीं है। भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताया। दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह के बीच चल रही तनातनी पर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं बल्कि ये व्यक्तियों का गिरोह है। हर गिरोह के अपने सरगना है और सरगनाओं के इशारे पर गिरोह काम करते हैं और अपनी बात रखते हैं, जैसे पहले डाकुओं के सरगना होते थे। कांग्रेस की ना कोई विचारधारा और ना ही संगठन है, कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। देखिए, कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, ना उसकी कोई विचारधारा है, ना उसका कोई संगठन है। कांग्रेस एक व्यक्तियों का गिरोह है, उस गिरोह के सरगना होते हैं, जैसे पहले बड़े बड़े लोगों के गिरोह हुआ करते थे, हमने डाकुओं के गिरोह सुने हैं, तो इसी तरह से कांग्रेस एक गिरोह है। हर गिरोह के अलग अलग सरगना है और वो अपने गिरोह के सरगना के आधार पर अपनी बात कहते हैं, और इसलिए कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।